एवरीवन, जीबी पावर, ये आप देख रहे हैं एटीएस के कंट्रोलिंग का सामान, स्विचिंग का, स्टार्टिंग का। ये रिले हैं, रेल पोल की रिले हैं। ये 1950 रुपये की एक रिले है और ये बेस 350 के करीब है और ये कंट्रोलिंग वायर है 7 मीटर 8 कोर, सही है, 2.5 mm। और मार्केट के अंदर लोग कैसे काम कर रहे हैं के सस्ते के अंदर चाइना की रिले लगाना, चाइना का सामान लगाना, तो वो एटीएस रिलायबल नहीं होता, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये अभी मैंने सिर्फ 4 रिले और 4 बेसें और 7 मीटर वायर ये सामान लिया है। ये जस्ट सामान की प्राइस देखें आप कि हम लगा कौन सा ब्रांड रहे हैं। 17,114 रुपये बन रहे हैं इसके। और ये ऊपर रिले 12 वोल्ट DC 8 पिन 1950 की एक है, सही है, और 24 वोल्ट भी 1950 की एक है और बेस ताइवान 350। और इसके अंदर लग्स हैं 16 mm वाले और टेपे वगैरह हैं। और उसके बाद फिर वायर जो है कंट्रोलिंग वायर 2.5 mm 8 कोर 950 रुपये रेट है इसका। और ये 6,650 रुपये की पड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि ब्रांडेड चीज़ें लगने से ही परफॉर्मेंस आती है, अदरवाइज़ जो मार्केट में चीप प्राइस में काम कर रहे हैं तो उससे ये होता है कि जनरेटर की काम करने वालों की, अच्छे काम करने वालों की साख भी ख़राब होती है। और ATS जो बना के दे रहा होता है अच्छा, लेकिन उसके कंट्रोलिंग में, स्विचिंग में ये प्रॉब्लम करती हैं।